मुझे ANP की लीडरशिप ने मेरे साथ मुलाकात की थी, उन्होंने दावत दी थी, उसकी APC है, शायद कल उसकी APC है, लेकिन एक चीज़ है कि उसमें एजेंडा क्लियर नहीं है। हम सिर्फ इस वक्त जो हमारा एजेंडा है वो आइन को बचाने का है। हम समझते हैं कि इस वक्त आइन खतरे में है। आइन जो है ना, उन्होंने PDMO हुकूमत ने आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उन्होंने आइन को ख़तरे में डाला है। अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने आइन को तोड़ा है। तो ANP ने जो मुख्तलिफ उसमें एजेंडा दिए हैं, हम उस एजेंडे से इतफाक नहीं करते। हम समझते हैं कि इस मुल्क के तमाम हालात के जिम्मेदार ये हुकूमत है, ANP भी उसका हिस्सा है। मैं इसका रिस्पेक्ट करता हूँ कि हमारे पास आए, लेकिन चूंकि उनका एजेंडा जो है ना उसमें इकॉनमी है, दीगर चीज़ें हैं, और ज़िम्मेदार भी ये हुकूमत है। PDM इस वक्त इकॉनमी की बदहाली की ज़िम्मेदार भी हुकूमत है। इस वक्त मुल्क में अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है तो ये इसकी ज़िम्मेदार भी ये हुकूमत है। इसलिए हम कल ANP के जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस है, हम उससे माजरत करते हैं।